कि ग्लोरिया इज अ वेरी गुड मॉडल बिकॉज उनको देख के मुझे नहीं लगता कि हेड विल टर्न, सॉरी बट नहीं लगा। मैंने जब ट्राई किया इट वॉज डिम, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा और मेरे कान में पानी का ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग से हिट कर रहा था कि घुटन हो रहा था इतना ज्यादा। मैं बाहर निकला और अपने आप को बताया कि ग्लोरिया ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें ग्रैब करने हैं और परफॉर्म करके अच्छा से देने। लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। अब मेरा फोकस और मेरा ध्यान इतना ज्यादा एक चीज पे यू नो कैसे रह सकता है, वो इसके थ्रू है। सो ये सब सीखना बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट मैं जाने वाली हूँ तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू काम डाउन और सोच रही हूँ कि कैसे मैं अंदर जाके अपना ब्रेथ कंट्रोल करूँगी। आई वाज वेरी वेरी स्केयर्ड बिकॉज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एक तो क्योंकि मुझे अपने लेंस निकालने पड़े थे। मुझे ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था मुझे। मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि मुझे ये अंडर वाटर फोटोशूट करना है और बहुत अच्छे से करना है। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल अनईजी हो रहा था बट मैंने सोचा कि यू नो फोकस, मिस्टर गाबा का वर्ड फोकस हमेशा मेरे मन में था। मॉडलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक रूल है फोकस। तो मैं अंदर गई, मुझे बहुत अनईजी हो रहा था बिकॉज पानी नाक में गया था, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया और मैंने कंप्लीट किया फोटोशूट। सुन 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 तो हवा नाचल तू यू छू के तन मेरा ना 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 ना। जैसे ही मैं पानी के अंदर गई तो मुझे लगा कि ये एक आसान चीज होगा क्योंकि आई लव वाटर। मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा क्योंकि इट इज आउटसाइड माय एनवायरनमेंट और इसीलिए लाइक दैट मेड मी वर्क हार्ड। अपने हाथों के साथ ज्यादा पोज कर रही थी, यू नो जस्ट विद माय फेस। एक्सप्रेशन देना जो वो भी जब आपकी सांस रुकी हुई हो उस सिचुएशन में एक्सप्रेशन देना काफी टफ होता है।
होल्ड द ब्रेथ इन ऑटोमेटिकली वो वाटर पुश करता है आपको ऊपर. सो आई हैड टू होल्ड माई सेल्फ विथ माई लेग, लैडर को पकड़ के आई हैड टू बी इन साइड एंड देन गिव द पोल्स. वो बाद में आई गॉट दैट टेक्निक, बट बाई दैट टाइम द टाइम वॉज अप एंड आई हैड टू कम आउट. तो जब मेरी टर्न आई तो मैं इतना डर गई थी ऑलरेडी, मुझे लगा पता नहीं, मुझे लगा मैं डूब जाऊंगी. होल्ड द रिंग, होल्ड विद बोथ हैंड्स, होल्ड विद बोथ हैंड्स, लीव दैट, होल्ड द रिंग. नो, मैं जो लैडर था जिससे पूल में एंटर करते वो छोड़ ही नहीं रही थी. आई एम गोना ड्राउन. नो यू कांट ड्राउन, दिस रिंग इज फ्लोटिंग, हाउ कैन यू ड्राउन. मिस्टर गाबा जो हमारे जज है, ही इज सो स्वीट, उन्होंने आके मेरे हाथ पकड़े और मुझे मेंटली एक प्रेप टॉक दिया. मैंने आपको पहले क्या बोला था, आपकी सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. थोड़ा नीचे जाओ, आप अपने आप ऊपर आओगे. गो गो गो, आई एम होल्डिंग योर हैंड, कम बैक. वेरी गुड, वेरी गुड. एवरीबॉडी इन द पार्टी, आर यू रेडी, से एक्स. मुझे लगता है कि मेरे शॉट्स अच्छे आए हैं, कि मैंने काफ़ी वेरिएशंस दिए हैं. अब मतलब जो मैंने सोचा था उससे मैंने बहुत ज़्यादा गिव किया, मेरा बेस्ट ट्राई किया मैंने देने का. अगर आज मुझे ये बोलना है कि वाह तस्वीर किसको गया, तो वो वाह तस्वीर ग्लोरिया को गया. थैंक यू. आई वाज लाइक यस यस यस, मैंने प्रूव कर दिया कि आई एम इन फॉर दिस कंपटीशन. जब मिस्टर गाबा ने उनका नाम ले लिया तो हम सब शॉक हो गए थे कि वापस ग्लोरिया, यू नो, मुझे नहीं लगा दैट शी परफॉर्म वेल. मुझे लगा यार फोटो दिखाई नहीं है, कुछ बताया नहीं है, ऐसे कैसे सिलेक्ट कर लिया ग्लोरिया को, मैं तो बहुत दिमाग खराब हो गया. चैलेंज में लास्ट आए श्री राधे, ब्रीफ बिल्कुल नहीं, फोटोग्राफर टोटली अनहैप्पी, कोई फोकस नहीं था, बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल इन कंट्रोल नहीं थी. मेरा तो मूड खराब हो गया एकदम, क्योंकि मुझे लगा यार पॉसिबल नहीं है कि हर समय मेरी परफॉर्मेंस वर्स्ट हो, मुझे बहुत बुरा लगा था. जो चैलेंज जीती है ग्लोरिया, इनको जिस फोटोशूट के बेसिस पे एलिमिनेशन होगा उस फोटोशूट में इनको एडवांटेज रहेगा, और ऐसी एडवांटेज का नाम होता है आयोनिक एडवांटेज. ग्लोरिया को आयोनिक एडवांटेज मिला, हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि उसे क्यों मिला और वो क्यों है यहाँ पे अभी तक. गुड मॉर्निंग गाइस, नया दिन था, नया चैलेंज होने वाला था, तो सभी बहुत एक्साइटेड था. गुड मॉर्निंग गाइस, ये बॉइल्ड अंडे है कि कच्चे? अच्छा बॉइल्ड है. आर यू ईटिंग माय अंडा? वो बीच में ही स्टार्ट हो जाती है, वो जहाँ थी हमें उनसे दूर रहना था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा लाउड है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है. ना एनर्जी कहाँ से आती है? Cause I'm high off life, baby. मोनिका इज सो लाउड, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती उसके साथ, बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ उसके साथ, बहुत इरिटेटिंग है वो. एक सुपर मॉडल, दूसरी परछाई, ये जो हिंट्स मिलते हैं ना बहुत ही अजीब लाइक पहेली होती है, उनको लाइक सॉल्व करने में भी मजा आता है. It's gonna be ourselves glamorized, unglamorized. Monica ji ka ye interpretation tha ki ek hoga glamorized version, ek hoga non-glamorized version. मेरे सिस्टर है पागल लड़की, किसके पास इतना टाइम है, एक बार पूरा मेकअप के साथ फोटो शूट करेंगे, फिर मेकअप के बाद फोटो शूट करेंगे. Hello, ladies.